फर्स्ट सीटिंग वाले, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मिला लीजिएगा, 100% जो बताए गए हैं है ना, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि एग्जाम में जाके तहलका मचा दे। एक बार जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए सभी को। हाँ, पहला क्वेश्चन है, बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये पूछा गया है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है। देखो माइनस प्लस देखा जाए तो एक माइनस है दूसरा प्लस है, ठीक है, तो शुरुआत में प्लस प्लस रहता है, सेकेंड में रहता है क्या माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस प्लस, तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा बउआ, है ना, कौन से चतुर्थांश में, सेकेंड में, सेकेंड में है ना माइनस प्लस, बी टी करके आइएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 में 100 क्वेश्चन आज दे देंगे, तहलका मचा देना है, सभी को शेयर कर दीजिए है ना, कल एग्जाम में तहलका मचेगा। पहली सीटिंग का क्वेश्चन, कौन परिमेय संख्या है, फिर पूछा है कि बताइए कि कौन जो है वो परिमेय संख्या है इसमें, है ना, कौन परिमेय संख्या है, 2 - √3 √5, तो देखो P/Q के रूप में परिमेय संख्या होता है, किस रूप में होता है बच्चा, P/Q के रूप में परिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए किसका P/Q नहीं हो सकता, ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तो ऑप्शन नंबर C टिक कर लीजिएगा। चलिए C जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C टिक करके आइएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। सेकेंड सीटिंग वाले टेंशन नहीं लीजिए, उनका भी कर देंगे, आज ही कर देंगे। एक द्विघात समीकरण का घात पूछा है कि एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, +2 + 1 0 या -2, अब द्विघात समीकरण जो है ax2 + bx + c होता है ना, तो अल्फा और बीटा आपको पता है कि इसका मूल होता है, अल्फा मूल होता है और बीटा मूल होता है, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का घात पूछा है, तो चलिए बहुत अच्छे एकदम बच्चे, गर्दा उड़ा दिए। नेक्स्ट है sin² + cos² कितना होता है, 1 होता है, 1 और 1 वह कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे sin 45 का मान कितना होता है बच्चा, sin 45 का मान 1/√2 होता है कि नहीं होता है, है ना, देखो sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, है ना, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। चलिए बता देते हैं, है ना, ऐसे ही आपको नहीं बहुत सॉल्व करके दे रहे हैं ताकि कल गलती नहीं करके आइएगा, इसलिए सॉल्व करके दे रहे हैं आपको। अब 1/2 कर लोगों तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, 1 आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 100% सही आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए सही टिक करके आइएगा, सॉल्व करके दे रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं कि 1 का b 2 का b। चलिए बहुत अच्छे, 2/2 हो जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आइएगा कल, ठीक है, हल्का मच जाएगा कि नहीं, एक बार शेयर कर दो सभी। चलो अगला देख लो, प्रायिकता का अधिकतम मान पूछा है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, -1 + 1 0 या -2, है ना, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है बच्चा, ये यहां पे पूछा है आप लोगों से, तो देखो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है ना, ऑप्शन नंबर बी। पाई क्या है, परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय या इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि बताइए कि पाई क्या है, अब पाई आपको पता है कि अपरिमेय संख्या है, तो राइट आंसर क्या टिक करेंगे, अपरिमेय टिक कर दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, बहुपद दिया है x² + 2x + 1 का एक शून्य कौन है, x² + 2x + 1 का एक शून्य पूछा है, किसका एक शून्य क्यों होगा, तो आपको एक शून्य क्या होता है, n² + 2n + 1 = 0, अब यहां से n² + 2n + 1 = 0 निकालेंगे तो एक शून्य का मान निकालना है, यानी एक वैल्यू आपको यहां पे निकालना है। चलिए बहुत अच्छे, शेयर कर दीजिए बच्चा सभी को। चलो यहां से मान निकालोगे, एक ही मान निकालना है, पूरा मान नहीं निकालना है, एक शून्य निकालना है, ठीक है, तो n² हो गया, n² 1 × n² अब यहां से n² हो गया, है ना, आपको द्विघात समीकरण पता है ना कि x² + 2x + 1 दिया हुआ है, तो यहां पे हमसे सॉल्व करेंगे ना, तोड़ेंगे ना, तो कितना में टूटेगा, x + x टूटेगा, x × x + 1 + यहां कितना बचेगा, 1 और x + 1,
तो x प्लस वन बराबर जीरो, तो कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस वन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बस इसको तोड़ना है, कुछ करना नहीं है। चलिए कितना आ गया, माइनस वन आ गया ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त है ना, द्विघात समीकरण निकालना था, कुछ करना नहीं था, उसका आपको हल करना था। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, टेंजेंट पूछा है। एक वृत्त पर कितनी अब स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाबू एक वृत्त पे अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितना भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना, आनंद है ना, कितना भी किधर से भी, इधर उधर किधर से भी खींच सकते हो, तो आनंद टिक करके आइएगा ऑप्शन नंबर सी। 100% जो बता रहे कल एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चा, तो पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, काश देख लेते, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, यहां पे दिया गया है सेकेंड सीट वाले, घबराइए नहीं, इसके बाद सेकेंड सीटिंग का कर देंगे, ये फर्स्ट सीटिंग का है। 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 का परिसर पूछा है कि इसका परिसर क्या होगा, है ना, इसका परिसर क्या होगा। चलो इसका परिसर क्या हो जाएगा बच्चा, 22, 21, 24 या 9। तो यहां पे देखिए 30 माइनस 9 कितना हो गया, 21 हो गया। ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, धमाल कर दिए, जबरदस्त। नेक्स्ट देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, शेयर कर दीजिए सभी को। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। चलिए सी टिक कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लो, एक घटना दिया गया है जिसका प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई डैश का मान क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी ई डैश है, तो ई डैश बराबर हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो कट के क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, राइट आंसर बी टिक कर लीजिएगा। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 9, 10, 11, 5, 7, 6 का बहुलक पूछा है कि बताओ जरा इसका बहुलक क्या होगा, है ना, इसका बहुलक क्या होगा, 9, 10, 11, 3। चलिए धमाधम एकदम शेयर कर दीजिए बच्चे, एक एक बच्चे एकदम शेयर कर दो, इसका बहुलक पूछा है, तो बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक क्या हो जाएगा, ये तो बच्चा इसका आंसर बता देगा। 9 कितना है देखो, 9 के वो है 2, वो है 11 कितना है 3 है, और तो सबसे ज्यादा जो रहता है वही बहुलक होता है ना, तो 11 टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन बहुपद नहीं है, इसमें कौन बहुपद नहीं है ये पूछा है, x² + √3 - 5x, c या d। अब देखिए ध्यान से देखिए, कौन इसमें बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। चलो अगला देखो, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक एक क्वेश्चन 100 में 100 आपको दे रहे हैं, बस एग्जाम में आप 50 को बना के आइएगा। sin 35 / cos 55 का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, पहले sin 90 - θ ऊपर कर लेंगे या cos 90 - θ नीचे कर लेंगे, तो साइन 35 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 55 लिख सकते हैं ना, अरे बच्चा कॉस साइन 90 - θ लिखेंगे ना, तो cos θ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, देखो लिख के बता देते हैं, sin 90 - 55 और नीचे हो गया क्या, cos 55। चलो ये हो गया cos 55। अब sin 90 - θ क्या होता है, cos θ ही होता है ना, यहां पे हम क्या लिखेंगे, sin 90 - cos 55, ठीक है, और नीचे भी cos 55, तो cos 55 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, 1 टिक कीजिएगा और एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 15, 11वां पद पूछा है, t11 बोलिए या a11 बोलिए, तो क्या होता है, a + n - 1 × d, है ना, तो इसमें फॉर्मूला आपको बताना पढ़ाना है, ए कितना दिया है, -3 दिया है, डिफरेंस कितना है बच्चा, तो पहले डिफरेंस देख लीजिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है,
कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन, ए टू में से ए वन को घटा दीजिए तो कितना आएगा, माइनस वन बाई टू माइनस माइनस प्लस थ्री, है ना। तीन रुपया में से 50 पैसा घट गया तो अढ़ाई रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आप भिन्न की जोड़ की तरह भी बना लीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस चल फाइव बाई टू, यानी कितना अढ़ाई, फाइव बाई टू हो गया, डी डी हो गया फाइव बाई टू, अढ़ाई लिखे या फाइव बाई टू लिखे। अब एन कितना है, एन है 11, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस टेन डी, 11 माइनस वन होता है, ए कितना है माइनस थ्री, तो यहां पे माइनस थ्री लिखना है। बच्चा जो बता रहे हैं सेम क्वेश्चन वहां पे रहेगा, बस ध्यान से देख लीजिए, है ना। अगर चाहते हैं कि मैथ में एक एक क्वेश्चन बना के आए तो यही क्वेश्चन वाला वहां पर छापेगा बच्चा। टेन डी कितना है, पांच बटे दो है, कितना बार में कट जाएगा, पांच बार में कटेगा 10, है ना। तो माइनस थ्री प्लस कितना हो जाएगा 25, तो 25 में से माइनस थ्री जाएगा तो क्या बचेगा, 22 बच जाएगा। चलिए समझ में आ गया, एलसीएम निकाल लो, चलो माइनस, है ना, तब आप लोग समझोगे, कोई बात नहीं, आपकी हुकुम सर आपको पे। यहां कितना हो जाएगा 44 बटे दो, तो 22 आएगा ना बच्चा। चलिए बहुत अच्छे, एक के साथ टिक कीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए, एक एक क्वेश्चन जो दे रहे हैं सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 22। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, मूलों का गुणनफल पूछा है अगला सवाल में, कि बताइए मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, पढ़े है ना। अल्फा इंटू बीटा पूछा है, बताइए अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है। तो सी बाई ए आपको फॉर्मूला यहां पे लगाना है, तो सी कितना है, देखिए सी वन है, सी वन है ना, और ए कितना है, फोर है। तो चलिए फॉर्मूला लगा के समझा देते हैं, बस आपको मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो है वो यहां पे आपको निकाल देना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए, सी कितना है, वन है, है ना, वन है सी, और ए कितना है, ए आपका चार है, तो वन बटे चार हो गया। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ जाएंगे, एक एक क्वेश्चन वही है जो आपको कल पेपर में आएगा। उसके बाद देख लीजिए, एपी का पहला पद ए है, सर्वांतर डी है, तो एनवा पद क्या होगा, फॉर्मूला से आपका पूछ दिया है, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टीएन पर है ना, कि ए प्लस एन माइनस, अच्छा एन पदों का योग पूछ रहा है ना, चलो टेन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन नंबर डी, एनवा पदों का योग पूछ रहा है बच्चा, डी ठीक कीजिएगा, सी नहीं। चलिए एकदम गर्दा हो जाएगा, आगे देखो, वन बाई रूट थ्री किसका मान होता है, वन बाई रूट थ्री जो पूछा है वो किसका मान होता है, अब बता दो कि वन बाई रूट थ्री किसका मान होता है, जरा साइन तीस टेन तीस, तो टेन तीस का मान होता है वन बाई रूट थ्री, है ना। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जबरदस्त, एक एक बच्चे को शेयर कर दीजिए, हर बच्चा जहां से देख रहा है एकदम तहलका मचा के आएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, दूसरा है थ्री पाई आर स्क्वायर, चौथा है हाफ पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है यहां पे, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो थ्री पाई आर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आइएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, आगे देखिए क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे रूट टू कॉस थीटा बराबर वन है, तो थीटा का मान क्या होगा, इतना इजी, क्या होगा, कॉस थीटा बराबर निकालोगे वन बाई रूट टू हो जाएगा, है ना। देखो कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा वन बाई रूट टू, इस कितना मान होता है, कॉस 45 का मान होता है, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आइएगा, और कल झूमते हुए आइएगा, मैथ एकदम एक एक क्वेश्चन मैथ में बनवा देंगे आप लोग का कल, है ना, क्वेश्चन लर्निंग का नाम ही अभिषेक ट्यूटोरियल, जो बताते हैं वही आता है। चलिए 45 डिग्री एकदम टिक करके आइएगा, आगे देखिए अगला सवाल पूछा है,
अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है तो इसका मान क्या होगा, है ना। अब इसको क्या करना है, भिन्न का जोड़ है उसको सॉल्व करना है और मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो चलिए, वन बटे अल्फा प्लस वन बटे बीटा पूछा है, तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा बच्चा, अल्फा इंटू बीटा होगा, है ना। आपको पता है मूलों का योग मूलों का गुणनफल, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। एकदम एक एक क्वेश्चन देख लीजिए ताकि एग्जाम में गलत टिक करके नहीं आइएगा, जो बता रहे हैं अच्छे से देख लो या कॉपी निकाल के नोट कर लो और रात भर में देख लेना, है ना, ताकि कल जाके गर्दा उड़ा के चला। तो मूलों का योगफल कितना है, मूलों का योगफल देखो तो माइनस बी बाई ए है ना, तो बी कितना है माइनस थ्री है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सी है ना तीन तीन बटे वन यानी तीन हो जाएगा मूलों का योगफल, और गुणनफल होता है सी बाई ए, सी कितना है पांच है, तो पांच बटे वन बराबर कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया पांच। अब बस वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, लघुत्तम हो गया अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना होगा अल्फा और बीटा का, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इधर हो गया बीटा और इधर हो गया अल्फा, यानी ऊपर हो गया मूलों का योगफल, तो राइट आंसर क्या होगा तीन बटे पांच, और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे, है ना। चलिए एकदम शेयर कर दीजिए सभी को, हर बच्चा का एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, फर्स्ट सिटिंग वाले एकदम शेयर कर दीजिए, सेकेंड सिटिंग का भी थोड़ा देर में कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है बच्चा, आप लोग के लिए पूरी जी जान हाजिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, दोनों मूल बराबर है तो द्विघात समीकरण का डी क्या होगा, दोनों मूल बराबर है यानी अल्फा और बीटा जो है बोल रहा है कि बराबर है, तो द्विघात समीकरण का मूल जो है वो क्या होगा, डी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा। चलिए दोनों मूल बराबर है तो यहां पे बोला जाता है कि ये जो है इक्वल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कार्तीय तल में स्थित तीन माइनस चार किस कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान पूछा है, ठीक है। आपको पता है कि आगे वाला भुज होता है और पीछे वाला कोटि होता है, तो पूछा है कोटि का मान क्या हो जाएगा, माइनस चार हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, किसी घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, एकदम कल झूम झूम के आंसर लगाना है और एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एक को नहीं छूटेगा बच्चा, और सब्जेक्टिव भी दे देंगे रातों रात, टेंशन नहीं लेने का। चलिए बहुत अच्छे, एल बी एच टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसका दिया गया है 90 डिग्री और ए दिया है 40 डिग्री, तो बोला है कि सी कितना होगा। चलिए फिगर यहां पे देख लीजिए, एक है आपका 90 डिग्री का, है ना, और एक ही आपका 40 डिग्री का, एकदम जो दे रहे हैं अच्छे से नोट कर लो, कल यही फर्स्ट सीटिंग में आपका छपेगा, एकदम गर्दा उड़ा देना, सेकेंड सीटिंग वाले 8:15 में तैयार रहिए। चलिए 90 और 40, और यहाँ पे पूछा था, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 90 और 40 हो गया कितना 130 हो गया, तो वो बच गया जो कितना होगा 50 डिग्री होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है ना, ठीक है। चलो जोड़ लो यहाँ पे 180 और 180 में से 130 गया, 90 40 कितना होगा 130 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे C बराबर क्या होगा, 180 माइनस 130, तो सही जवाब होगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आइए, डी टिक करके आइएगा 50 डिग्री। आप लोग को सब बना के सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आप वहां पे भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैथ है, अगर सही टिक कर देंगे तो वहां पे आप भूल जाओगे, इसलिए देख लो बच्चा। नेक्स्ट है 25, इसका मान क्या होगा पूछा है, ये जो दिया गया है इसका मान क्या होगा, tan 25, tan 20, tan 65, इसका मान 1 होता है, एक दूसरे से कट जाता है, ठीक है, एक दूसरे से कट जाता है और इसका मान 1 आ जाता है। चलो आगे देख लो,
27, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज दिया गया है और दोनों त्रिभुज में बोला है कि अगर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे आर पी हो, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या दिया है, बी सी बटे आर पी हो, तो इसमें क्या होगा। तो एक फिगर समझ लीजिए, यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर लीजिए, एक त्रिभुज ए बी सी का और एक त्रिभुज पी क्यू आर का, है ना। बस जो क्वेश्चन देख दे रहे हैं ना एकदम नोट कर लो, ठीक है। चलिए यही फिगर ड्रा कर ली यहाँ पे, अब जो पूछा है उसका वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देना है। ए बी, ए बी बटे पी क्यू है और बी सी बटे आर पी है, तो ये क्या है, आपको पता है कि जब सामने वाली भुजा बराबर होगी तो सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, है ना। ए बी और बराबर है किसके, चलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे पी आर है, ठीक है। तो यहां पे देखो कि कौन कौन सा संबंध यहां पे बन रहा है, सामने वाली भुजा और सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे, बी बराबर पी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, है ना, आपसे पूछा है कि बताओ कौन सी संख्या जो है, कौन सी संख्या है वो अभाज्य संख्या है, 10, 21, 11 या 35, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे, 11 सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे, तो 11 जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल 29 क्या पूछा है, तो आपको सी टिक करके आना है, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है पूछा है वो किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो ये किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी, इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां पे देखिए, चलिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करके बता देता हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में आपका गलत नहीं होना चाहिए, मेरा यही मकसद है कि हर बच्चे का एक एक सब्जेक्ट अच्छा जाए, हिंदी अच्छा गया है, मैथ भी अच्छा जाना चाहिए। यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे। चलिए नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हो गया आपका कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता दिया हूं ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि जो आंसर बता रहा हूं वो 100% सही आंसर बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। अब यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, 1 होता है, है ना। तो यहां पे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, पलटोगे तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब समझ गए डी कैसे हुआ, चलिए इसलिए भूलिएगा नहीं जैसे बताए हैं, एकदम टिक करके आइएगा। चलिए आगे देखो, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिमाप और क्षेत्रफल जो बराबर है, वृत्त का परिधि जो है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 2 पाई आर जो है पाई स्क्वायर के बराबर है। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना वृत्त का परिधि, और क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कट गया, आर बराबर 2 बच गया, यानी वृत्त की त्रिज्या का जो मान है वो 2 मात्रक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, बिंदु 2-3, है ना, बी टिक कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट देख लीजिए बच्चा, अगला सवाल क्या है, बिंदु 2-3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी,
बिंदु दो तीन की जो दूरी है मूल बिंदु से पूछा है कि बिंदु दो तीन की दूरी मूल बिंदु से कितना होगी, 2√3 5 इकाई, √13 इकाई या 2 इकाई। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 मूल बिंदु होता है आपका, 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 0 माइनस 2 0 माइनस 3 9 4 13 √13 इकाई हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखो, यदि दो संख्याओं का महत्तम 15 है और लघुत्तम 90 है ना, तो पूछा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आपको पता है कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो HCF into LCM होता है ना, यही ना होता है। अब यहां से निकालोगे तो यहां पे गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, 1350 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, 2θ का मान 60 है तो sin θ क्या होगा, 60/2 यानी 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, आकृति PA और PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर है ना, और APB का मान जो है वो 60 डिग्री है, तो बोल रहा है कि PB की लंबाई क्या होगी, है ना, PB का मान आपको बताना है कि PB का मान क्या होगा। बगल में फिगर बनाया हुआ है, एगो 8 दे दिया है और एगो 60 दे दिया, 60 डिग्री दे दिया है। चलिए ध्यान से देख लीजिए, एकदम शेयर कर दीजिए, एकदम शेयर कर दो, यहां पे कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 60 डिग्री बन रहा है तो 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, दो रैखिक समीकरण के आलोक दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो रैखिक समीकरण है उसका आलेख जो है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं हैं, तो वो रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, एक हल होगा, क्योंकि किसी बिंदु पर कट जाती है तो वही बिंदु उसका आंसर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत त्रिभुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, यह कथन पूछा है, मैथ में कथन पूछा है, और जो बता रहे वही कल रहेगा, बस देख लो जो पूरा थेल्स प्रमेय बोलते हैं इसे, है ना, कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय, कितनी बार पढ़े होंगे आप लोग। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग पूछा है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो समूह कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 360, 90, 0 या 180, तो 180 डिग्री होता है, डी टिक करके आइएगा, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना बच्चा। चलिए आगे देखो, दो गोला का आयतन का अनुपात दिया गया है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, आयतन का अनुपात दिया है 125/7, तो बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो क्या होगा, तो आयतन क्या होता है 4/3 πr³ और 4/3 πr³, दोनों गोलों का आयतन हो जाएगा, है ना, यानी कि r1q और r2q का मान 125 और 7 हो जाएगा। अब यहां से r1/r2 क्या हो जाएगा, इधर 125 का क्यू हो जाएगा 5 और 27 का √3 हो जाएगा क्या, 3, देख लो। चलिए इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा r1/r2, इसको लिख सकते हैं ना, 5 का क्यू 125 होता है, 3 का क्यू 27 होता है ना, तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाता है, समझाने के लिए काट रहे हैं आपको, है ना, r1 का मान 5 हो गया, r2 का मान 3 हो गया, तो बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल निकाल दो, पहला का क्षेत्रफल 4πr² और दूसरा का भी क्षेत्रफल 4πr², r1 कितना था 5, r1 कितना था बच्चा 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 25/9 यानी 25:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आइएगा, इस तरीके से आपको वहां पे बना के करना होगा,
है ना, इसे याद तो कर नहीं सकते, जो फॉर्मूला बताए उसे बना दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा। कॉस एक्स का मान एक्स है तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, 1/x टिक करके आना है। 85 को तो बनाना है बच्चा, पूरा हम बना देते हैं, आप कोई भी हल्का हल्का 50 को बना दीजिएगा, हो गया काम। यदि एबीसी शीर्षों का निर्देशांक दिया है तो एबीसी के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तीन को शीर्ष दे दिया है और पूछ रहा है कि सेंटर क्या होगा, उसका केंद्रक क्या होगा, तो केंद्रक जोड़ दीजिए तीनों को और तीन से भाग दे दीजिए, है ना। तो पहला क्या हो गया, 2 और 3 हो गया, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लो, एन पदों वाले एपी का योग इतना है तो इसका छेमा पद क्या हो? एन पदों वाले एपी के योग दिया गया है कि एन पदों वाले एपी का योग, योग कितना होता है? S1 है ना, एन पदों वाले। तो जब हम एक का निकालेंगे बच्चा, तो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, S1 4 हो जाएगा। और S1 जो होगा वहां से हम फिर S2 जब निकालेंगे n बराबर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 और 9 हो जाएगा, 8 × 9 है ना। और S3 निकालेंगे तो S3 का मान यहां से क्या होगा, S2 का मान A1 + A2 कर लीजिएगा, तो यहां से आपको A2 निकल जाएगा 9 - 4, यानी A2 का मान पता चल गया कि सर 5 है, A2 का मान क्या है, 5 है, और A1 का मान कितना है, 4 है, तो D कितना हो गया, 5 - 4 = 1, D हो गया 1। तो छेमा पद पूछ रहा था, अब आसान से निकाल लेंगे, T6 निकालना है, तो T6 क्या होगा, A + 6 - 1 × D, यानी A + 5D, A हो गया 4, तो A की जगह 4 लिख दीजिए, और D हो गया 1, तो 5 × 1 लिख देंगे, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो गया, 9 हो गया, है ना, 9, है ना। इसी तरीके से आपको टिक करना है। इसमें देखो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है बच्चा, कभी कभी होता है ऑप्शनों गलती रहता है, तो आंसर 9 है आपका। नेक्स्ट देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों का अनुपात दिया है 3/5, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात है 3/5, तो क्षेत्रफल का अनुपात उसका स्क्वायर कर दीजिए, 9/25। दूसरा देखिए, बिंदु दिया है 4 - 1 और 2-3 के बीच की दूरी, √ दोनों का माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, है ना, 4 - 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर -1 - 3 उसका स्क्वायर कर लेंगे, देखो कर लेते हैं क्या होगा, 2 - 4 का स्क्वायर + 3 - 1 हो जाएगा ना, -1 है, 3 + 1 का स्क्वायर, तो -2 में से 4 गया कितना आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 3 + 1 = 4, 16 + 4 = 20 हो गया, √20 को तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2√5 आ जाएगा, है ना, √20 को तोड़ेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, √, चलिए एकदम कमाल कर दिए, 2√5 हो जाएगा, है ना, चलिए जबरदस्त तहलका मचा दिए, 2√5 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, ठीक है, अगला सवाल देख लो, अगला सवाल पूछा है कि विभिक्तर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट पूछा है कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना है, B² - 4AC, डी बराबर कितना होता है, B² - 4AC होता है, ठीक है, बस यही फॉर्मूला आपको टिक कर देना है, D = B² - 4AC, तो B कितना है, 5, 5² = 25 - 4, A√2 था और ये कितना हो गया, √2 √2 2, 2 × 2 = 4, √2 × √2 2 होगा ना, तो कितना हो गया, 25 - 16 यानी कितना आ गया, 9 आ गया,
25 में 16 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। एकदम कमाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना एग्जाम में, है ना, जबरदस्त। पहली पाली वाले एकदम तहलका मचा देना, सेकंड पाली वाले थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना, 8:15 में सेकंड पाली का दे रहे हैं, टेंशन क्यों लेते हो। चलो आगे देखो, बिंदु 3, 4 और -3, 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, किसका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है वो क्या होगा, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, है ना, यही हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक 0 और 6 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, मीनार का उन्नयन कोण उसके पास से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी। उन्नयन कोण उसके पास से 21 मीटर की दूरी पर है ना, 21 मीटर खींच दिए और कोण कितना है 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई पूछा है, हाइट पूछा है, टैन थीटा पता है कि लंब बटे आधार होता है, ए बी बटे बी सी कर देंगे, 33 का मान 1/√3, ए बी का मान निकालना है आपको, बी सी का मान दिया गया है 21, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, है ना, √3 ए बी बराबर 21 हो जाएगा, ए बी का मान होगा 21/√3। अब इससे जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 7/√3 आ जाएगा, है ना, 21/√3 को भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कर लो, है ना, यहां से कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, तो यहां से राइट आंसर जो आएगा वो 7/√3 हो जाएगा, ठीक है, 7/√3 टिक कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, एकदम गर्दा उड़ा के आना है कल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 47, क्लियर है ना सारा क्वेश्चन, शेयर कर दो सभी को, है ना, सभी को शेयर कर दीजिए, कल जिनका भी फर्स्ट सिटी में एग्जाम है, मैथ वाले बच्चे जिनको डर लग रहा है उन तक अगर वीडियो पहुंच जाए तो बच्चे एग्जाम में जाके झंडा गाड़ देंगे, है ना, तो सब तक शेयर कर दीजिए, जहां तक शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, फर्स्ट सिटी वाले बच्चे तहलका मचा देंगे। चलिए आगे देखो, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, दो अलग अलग त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं, तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, दो अलग अलग त्रिज्या वाले समरूप होते हैं। आगे देखो, कॉसेक थीटा बराबर 5/3 है, तो कॉट थीटा का मान पूछा है कि कॉट थीटा का मान कितना होगा, तो कॉसेक थीटा का मान कितना है, 5/3, पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, है ना, कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, यहां से आपको क्या करना है, आधार निकाल लेना है, कॉसेक थीटा होता है ना कर्ण बटे लंब, ठीक है, तो आधार निकाल लीजिएगा, कर्ण बटे लंब होता है, तो 5/5 जो हो गया वो कर्ण हो गया, लंब कितना हो गया, 3 हो गया, तो आधार कितना होगा, कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 4 हो गया आधार, आधार हो गया 4 और लंब कितना है, 3 है, तो आधार बटे लंब होता है ना, तो आधार बटे लंब 4/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखियो अगला सवाल, अगला सवाल है, एबीसी और डीएफ दो समरूप त्रिभुज है जिसमें 2AB का मान DE के बराबर है, है ना, पहले समरूप त्रिभुज खींच लीजिए तब समझिएगा, है ना, यही दो को समरूप त्रिभुज दिया गया है और बोला है कि 2AB जो है ना वो DE के बराबर है और BC का मान जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो EF का मान कितना होगा, कितना आसान सवाल, यानी AB का मान जो है वो दुगना है, है ना, तो ये क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सही है, यदि r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण दिया गया है p डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो पता है कि थीटा बटे 360 × π r स्क्वायर होता है ना, तो थीटा की जगह पाई पी दिया है, तो पी बटे 360 × π r स्क्वायर टिक कर दो, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
है ना, बी हो जाएगा, बी काट दीजिएगा 2 से 720 को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ए कैसे होगा, ए में 180 है नीचे, ध्यान से देख लो। 2 सेकंड, गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। गोला का व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, तो बोला है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, आर त्रिज्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना। अब पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 55 44 हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल का क्षेत्रफल दिया गया है, इसका आयतन क्या होगा। बेलन के वक्र क्षेत्रफल का क्षेत्रफल दिया गया है और उसका आयतन पूछा है। सबसे पहले